हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज मैं नोटिफिकेशन लेकर आया हूं एनएचपीसी का। एनएचपीसी ने नोटिफिकेशन निकाला है आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं अप्रेंटिस की। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं एनएचपीसी जैसे पावर प्लांट में, जिसके डैम है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं आईटीआई पास के लिए, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। तो आइए चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज निकली, कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ जाके अप्लाई करना है, कौन सी आपको वेबसाइट पे जाना है, कहाँ इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको। बताने से पहले अगर आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल जाएंगी, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उन वैकेंसीज को अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपको जॉब की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे इंटरफेस पे नजर आ रहा होगा आपको एनएचपीसी लिमिटेड में वैकेंसीज निकली हुई हैं आईटीआई पास के लिए, अप्रेंटिस ट्रेनिंग की है। ये एक तरीके की ट्रेनिंग होगी आपकी आईटीआई अगर आप किए हुए हैं तो। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ट्रेनिंग करना, और उसके बाद जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा वो आपकी फ्यूचर एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्लोजिंग डेट की बात करते हैं, 20/3/2023 में इसकी क्लोज हो जाएगी जो वैकेंसी अप्रेंटिस की निकली हुई है ये आईटीआई में। तो डेजिग्नेटेड ट्रेड की बात करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल व्हीकल्स, फिटर, सर्वेयर, प्लम्बर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 साल आपकी होनी चाहिए, और मैक्सिमम 30 साल इसमें एज होनी चाहिए सारी वैकेंसीज के लिए, जितनी भी ये डेजिग्नेटेड ट्रेड है। नंबर ऑफ सीट्स इसमें जो इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक व्हीकल्स है या फिटर की हैं, इसमें दो दो डेजिग्नेशन है, और बाकी जो वैकेंसीज हैं जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए हैं उसमें वेल्डर में एक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक है। टोटल ये 11 वैकेंसीज बन जाती हैं जो आपकी ट्रेनिंग के लिए हैं। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसमें? एलिजिबिलिटी सिंपल सा, आपका आईटीआई इसके अंदर होना चाहिए। आईटीआई अगर आप क्लियर किए हुए हैं, अपना पास किए हुए हैं इन डेजिग्नेटेड ट्रेड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड विल बी 7700 पर मंथ। मतलब आपको जो एक तरीके की सैलरी ही कह लीजिए आप, 7700 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे इसमें, आप अगर इसमें ट्रेनिंग करते हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन चिल्ड्रन ऑफ पीपल ऑफ पीएएफ। मतलब पीएएफ का अगर कोई बच्चे हैं तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। सेकंड प्रेफरेंस अगर पीएएफ डिस्ट्रिक्ट या चिल्ड्रन ऑफ एरिया है तो उनको मिलेगा। अब एम्प्लॉयमेंट इन एनएचपीसी, कैंडिडेट शेल हैव नो क्लेम होज ओवर एज टू एनी एक्सटेंशन ऑफ ट्रेनिंग एंड और एम्प्लॉयमेंट इन एनएचपीसी। मतलब जो आपका ट्रेनिंग का पीरियड है ना, वो आप क्लेम इसमें नहीं कर सकते कि भाई एक्सटेंशन हमारा पीरियड कर दीजिए या हमारा पीरियड बढ़ा दीजिए। इसमें जो लिमिटेड पीरियड है उसमें आपकी ट्रेनिंग होगी और उसमें अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की जाएगी। अप्लाई कैसे करना है? तो सिंपल सा आपको www.apprentishipindia.gov.in पर जाना है, वहाँ जाके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद वहाँ आपको जो आपका एक प्रिंट आउट निकलेगा वो और साथ में जो ये नीचे फॉर्म है ये फिल करके आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा, सीनियर मैनेजर एचआर दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मायू सेक्टर 1 पीओ रोइंग लोअर दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश। इस पे आपको ये भेजना होगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी एज पर द प्रीवियस अप्रेंटिस एक्ट, जो एक्ट के हिसाब से रिजर्वेशन है वो इसमें दिया जा रहा है। अच्छा, अदर कंडीशन में आप पढ़ लीजिएगा, सेक्शन क्राइटेरिया में आप पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें जो चीज़ आपके समझ में नहीं आए नोटिफिकेशन में वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है इसमें कोई एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसमें एग्जैक्ट ट्रेनिंग ही रहेगी आपकी, अप्रेंटिस की ट्रेनिंग रहेगी। वो ट्रेनिंग आप इसमें अच्छी तरह से कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसका पावर जनरेट और डैम वगैरह का बहुत बड़ा काम है एनएचपीसी जो डैम वगैरह बनाता है। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।